पेश है हिंदी जबान में अपडेट। मोदी शासन कश्मीरियों को उनकी पहचान तथा संस्कृति से वंचित करने का षड्यंत्र रच रहा है। मोदी शासन जम्मू कश्मीर की मुस्लिम बहुसंख्या को अल्पसंख्या में परिवर्तित करने के लिए खुला हुआ है। 5 अगस्त 2019 की अवैध कार्रवाई भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर की मुस्लिम पहचान तथा संस्कृति पर एक आक्रमण था। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के पश्चात से व्यापक जनसंख्यात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। मोदी बहुत व्यवस्थित रूप से भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में सेटलर कॉलोनीवाद का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मोदी ने गैर कश्मीरियों को कश्मीर में बसाने के लिए आर्टिकल 370 तथा 35A का बहिष्कार कर मार्ग प्रशस्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी शासन कश्मीरियों को अपनी ही धरती पर रोजगार तथा अन्य अवसरों से वंचित कर रहा है। बीजेपी आरएसएस जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से भारत के साथ विलय करने की देश से चली आ रही कामना को पूर्ण करना चाहता है। कश्मीर में इस्लाम पूर्व हिंदू सभ्यता की स्थापना भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का लक्ष्य है। यदि कश्मीरियों की पहचान समाप्त हो गई, तो उनका स्वाधीनता आंदोलन अशक्त हो जाएगा। शूरवीर कश्मीरी भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारत के जघन्य षड्यंत्रों को विफल कर देंगे। मोदी की जघन्य चालें कश्मीरियों को अपने न्याय संगत संघर्ष से नहीं रोक सकती। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारत की धूर्ततापूर्ण चालों का नोटिस लेना चाहिए।